श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने आज यम का दीपक लगाने का एक विधान बता रखा है, उसका क्या नियम है, कौन उसे लगा सकता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे और अंत तक आप सभी को पूरी जानकारी मिलेगी जो कि अपने आप में परिपूर्ण है और विशेष है। बाद में इस दीपक का क्या करना है इस वीडियो में आप यह जरूर जान लीजिएगा, कहीं बाद में इसे आप सभी जो है कहीं कुछ ऐसे कर लें तो आपके पूजा पाठ खंडित हो सकती है। तो ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आज का दिन बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। आज के दिन यम देवता के निमित्त कई लोग दीपदान करते हैं, परंतु यहाँ पर कई लोग भूल जाते हैं कि यम देवता से कोई जुड़ी हुई चीज अपने पास घर में नहीं रखनी होती है। तो आज जो आप दीपदान करेंगे ना, उस चौमुखा दीपक को भले ही आप आटे का बनाएंगे या मिट्टी का लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु बाद में आप सभी उसे कहीं जो है कचरे के जो डब्बा है उसमें फेंक दीजिए। अगर आटे का बना रहे हैं तो चिड़िया कबूतर को दे दीजिए, दोबारा उस चीज़ को आप प्रयोग में नहीं लेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो व्यक्ति इन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, वह इन चीज़ों को मानते होंगे। मैं आपको बताई थी कि बार बार मिट्टी का दीपक प्रयोग में ले सकते हैं, परंतु जो यम के नाम का दीपक लगता है, जो आग लगाने के लिए गुरु जी ने कहा है, उसे आपको दोबारा प्रयोग में नहीं लेना है। इसका क्या विधान है ध्यान से सुने, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। सबसे पहले आज आप सभी को शाम के समय में एक आटे का बिना नमक का आटा गूंदिएगा। 2 मिनट लगते हैं, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप आटे का नहीं है तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसमें छोटा दीपक, बड़ा दीपक, जैसा भी है वह ले लीजिए। 4 बत्तियाँ उसमें लंबी रखनी है। कई लोग गलती करते हैं कि दोनों तरफ से बत्तियों को जला देते हैं, यह दोष उत्पन्न करता है। इस चीज़ का ध्यान रखें, 4 बत्तियाँ रखें और सरसों का तेल इसमें भरना है। यह चीज़ जोर देकर कहा गया है, सरसों का संबंध शनि राहु पितृ से होता है, तो आप सभी को सरसों का तेल उस दीपक के अंदर भरना है। इस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा। अब आप सभी को कोई भी प्लेट रख लीजिए, सीधे ज़मीन पर नहीं रखा जाता, प्लेट रख लीजिए, नहीं तो चावल का आसन देकर आप सभी जहाँ पर भी आज पूजन करेंगे, अपने घर का मंदिर का पूजन करें तो अति उत्तम है। नहीं तो पंचदिवसीय पूजा कर रहे हैं तो कहना ही क्या। पंचदिवसीय पूजा नहीं भी कर रहे हैं तो आप सभी को आज शाम के समय यह चौमुखा दीपक, जिसमें आपको 4 बत्तियाँ और सरसों का तेल भरना है, आपको इसके अंदर डालना है 1 चुटकी राई। राई कौन सी लेंगे, चाहे तो काली लें चाहे तो पीली लें, 2 स्वरूप में राई मिलती है, कोई सी भी 1 चुटकी आप इसमें डालिए। और इसमें कुछ भी नहीं डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई बता दे कि लौंग डाल दे, काली मिर्च डाल दे, नहीं, जो गुरुजी ने कहा है उसी अनुसार कार्य कीजिएगा। अपने घर के मंदिर में आज 2 दीपक बनाने हैं, शाम को रखने हैं, जहाँ पर भी आपने पूजन कर रखा है। पूजन कैसे किया जाता है इसका वीडियो मैंने पहले ही दे दिया है, उसे आप देख लीजिएगा, श्रेष्ठ जानकारी मिलेगी। साथ के साथ आप सभी को बताते हुए चलूं कि आप सभी को जो है विशेष तौर पर आज मासिक शिवरात्रि के दिन कैसे दीपक का उपाय करना है, इसका भी वीडियो मैंने प्रसारित कर दिया है, आप उसे भी देखिएगा, बहुत श्रेष्ठ जानकारी मिलेगी। तो आप सभी को एक प्लेट लेनी है, नहीं तो चावल 1 मुट्ठी ले लीजिए। सबसे पहले जो घर का मंदिर है, जहाँ पर भी पूजन करते हैं या पंचदिवसीय पूजा करते हैं, तो उत्तम है, वहाँ पर आप सभी को पहले घी का दीपक, माता रानी या भगवान जी के, जिनके भी आप पूजन कर रहे हैं, उनकी दाईं तरफ आपको घी का दीपक आप लगा दीजिए लंबी बत्ती का। उस दीपक के अंदर भी कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है। एक जो आटे का दीपक चौमुखा बना रहे हैं उसमें 1 चुटकी काला जो सरसों है या पीली सरसों है वह डाल देना है, ठीक है। अब आपको आरती किससे उतारनी है, जो काला वाला आपने जो सरसों डाल रखी है उस दीपक से अपने घर के मंदिर में आप आरती उतार लीजिए, या जो देवी देवता आपने पंचदिवसीय पूजा में कर रखे हैं उनकी आरती उतार लीजिए। अब इसी दीपक को आप सभी घंटी बजाते हुए या अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जैसी भी आप पूजा कर रहे हैं उस अनुसार आप पूजा करते हुए पूरे घर में घुमा लीजिए। इस बात का ध्यान रखिए, घर में जरूर घुमाना है ताकि घर से रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति हो जाए। तो घर में आप सभी को इसे ले जाकर कहाँ प्रज्वलित करना है, घर के दरवाजे में। अब यह नहीं कि आपके घर का दरवाजा अंदर की तरफ का, नहीं, घर के दरवाजे के बाहर की तरफ। कहाँ, बाहर की तरफ आपको इसे प्रज्वलित कर देना है, घर के अंदर की तरफ नहीं। इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपका फ्लैट है, किराए का घर है, जो आपका दरवाजा है उसके बाहर रख दीजिए। अगर बड़ा घर है, सेपरेट घर है, तो जो बहुत जो है बड़ा सा गेट लगा रहता है उसके बाहर आप प्रज्वलित करें। इस दीपक को आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए, चौमुखा है तो नियमित रूप से दक्षिण दिशा हो ही जाएगी, नहीं तो आप चौमुखा दीपक अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर रखें। कोई ऐसी वो नहीं है कि घर का कोई बड़ा ही करे, कोई भी व्यक्ति, महिला पुरुष कोई भी व्यक्ति कर देता है तो उत्तम माना जाता है। यम देवता का स्मरण करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें, पितृ इष्ट देवी देवता कुल देवी मैया का ध्यान कर अपने
अपनी मनोकामना कहकर साधारण सरल तरीके से इस दीपक को आप प्रज्वलित कर दीजिएगा। बाद में आपको मैंने जैसा शुरू में बताया अनाज इत्यादि इसके नीचे रख रखे हैं प्लेट के नीचे, तो चिड़िया कबूतर को इसे दे दीजिएगा और इस दीपक को आपको दोबारा प्रयोग में नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। और प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी, हे श्री जो है यम देवता, मेरे परिवार पर कभी कुदृष्टि न डालें और मेरे परिवार पर अपनी छत्र छाया करें, जन्म मृत्यु के बंधन से जो है मेरे परिवार को दूर रखें, ऐसी आप प्रार्थना अर्थात साधारण सरल तप शब्दों में आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। तो इस तरह से आप सभी को आज यह जो विशेष दीपक है इसे प्रज्वलित करना है, अखंड रूप में नहीं, बस जितना आप घी तेल डालें वह जलता रहे उतना पर्याप्त है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बहुत देर तक इस दीपक को जलाए परेशान हो ऐसा कुछ नहीं है, साधारण सरल तरीके से दीपक लगाना है, घी का हो या तेल का हो इस बात का ध्यान रखें, परंतु नियम से कीजिएगा तभी सुख फलों की प्राप्ति होगी। कोई कोई व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है, दीपक का दान करते हैं तो उसमें रोली चंदन मोली भी छिड़क देते हैं और साथ के साथ यम देवता का कुछ जो है जैसे मिठाई कोई भी वस्तु जैसे खिल बताशे दीपक के अंदर ही डाल देते हैं, तो यह भोग स्वरूप भी हो जाता है, तो यह अच्छा माना जाता है, तो आप यह भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज किए जाने वाले दीपदान की तरफ। जैसे कि आज के दिन आप सभी को आवश्यक रूप से ज़्यादा दीपकों का दान करना है, कहा जाता है आज 14 दीपकों का दान करना चाहिए। तो सबसे पहले 14 दीपकों के दान में नंबर आता है अपने घर की रसोई में पितृदेवताओं का और इष्ट देवी देवताओं का, माँ लक्ष्मी का, माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए अपने घर की रसोई में आप सभी पूर्व या उत्तर दिशा की उन्मुख करते हुए सबसे पहले दीपक लगाएं। अपने घर के मंदिर में दूसरा दीपक तो हमें रोज लगाना ही है। तीसरा माता तुलसी के समक्ष पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए दीपक लगाएं। चौथा दीपक अपने घर के दरवाजे पर लगाएं, संभव हो आपसे तो आप आकाश की तरफ कि हे आकाश में रहने वाले सभी देवी देवताओं मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा करो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आकाश की तरफ भी एक दीपक लगा दीजिए, अर्थात बालकनी में छत इत्यादि में दीपदान किया जाता है। चौराहे पर दीपदान करने का प्रावधान है, वहां पर आप दीपदान करें। अपने घर का जहां पर भी आप तिजोरी रखते हैं बहुत ध्यान से, परंतु यह कार्य कहते तो सभी हैं परंतु आपको ध्यान से करना है कि तिजोरी के आसपास दीपदान करना है। कुल मिलाकर घर का कोई भी स्थान ऐसा ना हो जहां पर अंधेरा रहे इन पंचदिवसीय त्यौहार में, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना है। आज के दिन बेलपत्र वृक्ष, देवालय श्री नारायण और महादेव के मंदिर में दीपदान करना, बहते हुए पानी में दीपदान करना, आंवला, बड़, पीपल, शमी, यह जो पवित्र वृक्ष कहे गए हैं इन स्थानों पर दीपदान करना आज भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देता है। किसी कारण से इन स्थानों पर दीपदान नहीं कर पाते हैं, बस घर में विराजमान देवी देवताओं के समक्ष घर की रसोई, ड्रॉइंग रूम, अपनी तिजोरी, घर का दरवाजा, आकाश दीप, बालकनी, अपने बच्चों के पढ़ने के कमरे में दीपक की रोशनी कर देते हैं तो भी यह सुखद परिणाम देता है। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आज रात को शिवरात्रि की रात घर में किए जाने वाले उपाय चैनल पर आ चुके हैं।